नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों की। उत्तराखंड के सितारगंज में किसान दिल्ली बॉर्डर रवाना। सितारगंज में बड़ी संख्या में किसानों का जत्था दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर आंदोलन में शामिल होने के लिए रवाना हुआ। सितारगंज के आगरा गुरु का ताल गुरुद्वारे में बड़ी संख्या में इकट्ठे हुए किसानों ने गुरुद्वारा साहिब में माथा टेक किसान एकता जिंदाबाद MSP की गारंटी दो के नारे लगाए। किसानों का कहना है कि पिछले एक साल से किसान दिल्ली में तीन काले कानूनों MSP की गारंटी सहित अन्य मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। 26 नवम्बर को एक साल पूरा होने पर संयुक्त किसान मोर्चे के किसानों से बॉर्डरों पर पहुंचने के लिए आह्वान किया गया था। इसी के तहत किसानों के जत्थे दिल्ली बॉर्डरों पर पहुंच रहे हैं। मोदी सरकार ने तीन काले कानून वापस लेने का ऐलान तो कर दिया, इसके लिए बधाई, पर जब तक MSP की गारंटी के साथ बाकी मांगे पूरी नहीं होती तब तक आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा। किसानों का कहना है कि सरकार ने चीनी मिल चलाने के नाम पर किसानों को बेवकूफ बनाने का काम किया है। सरकार चीनी मिल जल्द से जल्द चलाए और किसानों की मांगे पूरी करे। सतारगंज संवाददाता बिट्टू अंसारी की रिपोर्ट। किसान आंदोलन का एक वर्ष पूरा हो गया है। 26 नवंबर को संयुक्त किसान मोर्चे के ऐलान पर सितारगंज से एक जत्था गाजीपुर बॉर्डर की तरफ रवाना है। ये सभी जो हमारे किसान साथी शहीद हुए थे उनके बलिदान के कारण और जो साथी एक साल से वहां पर डटे हुए थे उनके संघर्ष के कारण ये तीनों बिल जो हैं ये मोदी सरकार को वापस लेने पड़े। अब हमारी MSP की मांग है, जब तक MSP की मांग पूरी नहीं होती है किसानों के जत्थे ऐसे ही गाजीपुर बॉर्डर पर जाते रहेंगे। सरकार से मांग है कि MSP जल्दी से जल्दी MSP की गारंटी का कानून बनाओ। हम लोग जो संघर्ष कर रहे हैं, काले कानून वो कानून है कि जैसे कोई बच्चा रो रहा था हमें ये मांग दे दो तो उसके ऊपर बढ़ा दिया था कि वो रोए की मांग ना भूल जाए और काले कानून बना दो। हमारी किसानों की मांगे तो अभी भी सरकार ने जस की तस खड़ी, भले MSP का मसला हो, भले हमारे चीनी मिलों का मसला हो, चीनी मिलों के बोर्ड बनने का मसला हो, मंडियों के अंदर बोर्ड बनने का मसला हो, कहीं पर भी पूरी तरह पूरे देश के अंदर सरकार किसानों के विरुद्ध चल रही है। अकेली हमारी कोई यहाँ नहीं, पूरे देश के अंदर चल रही ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी हमारी अनिश्चितकालीन तक, जब तक हमारी ये सब समस्याएं दूर नहीं होती। जिनके इनके नगर निगम है वहाँ तो ये चुनाव कराएंगे क्योंकि वहाँ इनके अपने हैं। जहाँ किसानों के सवाल आ जाता है, कॉपरेटिव फैक्ट्रियाँ हैं, कॉपरेटिव सोसाइटियाँ हैं, वहाँ ईमानदारी से कोई चुनाव ये कराने को तैयार नहीं। कॉपरेटिव फैक्ट्रियों को, चीनी मिलों को अपने कब्जे में लेने के लिए भले कांग्रेस की सरकार हो, भले BJP की सरकार हो, भले क्षेत्रीय सरकार हो, सब ये कब्जे करने के लिए तैयार बैठे हैं। चीनी मिलों को नोचने के लिए तैयार बैठे हैं। इसके लिए कानून बनना चाहिए। और घटतौली किसानों की हो रही 10%, 1 लाख क्विंटल एक गन्ना पेरती है उसका 10% गन्ना चला गया, 10,000 क्विंटल एक दिन में एक चोरी की गई, चोरी हो रही है चीनी मिल के अंदर, जिसका मात्र पेमेंट ही 50 लाख रुपए बनता है किसानों का। 50 लाख की डकैती प्रत्येक चीनी मिलों के अंदर किसानों की पड़ती है। इसके लिए भी हमें कानून चाहिए जिसके कारण ये डकैती न कर पाए। एक मुर्गी चोर को तो 6 महीने की सजा है और जहाँ 50 लाख की डकैती पड़ रही, बड़े शर्म की बात है इस देश के अंदर, उसके लिए वहाँ कानून नहीं। गेहूं पर चले जाएं, गेहूं हमारा कांटे पर मारा जाता है, घटतौली की जाती है, उसके लिए कोई कानून नहीं है। एक लाला का 1 किलो कहीं नमक उठा लो तो 1 साल के लिए चोरी, डकैती केस बनता, और किसानों की वहाँ डकैती पड़ रही, उसके लिए हमारी सरकार बनाने का कोई तैयार नहीं है। इसलिए हम दिल्ली जा रहे हैं और इसलिए अनिश्चितकालीन तक हमारा संघर्ष यह जारी भी रहेगा। उनकी कुछ मांगे अभी मोदी जी ने मांगी हैं, जिनमें से एक है कानून की वापसी। अभी जो इस आंदोलन के दरमियान जो हमारे बेकसूर किसानों पर मुकदमे लगे, हमारे बेकसूर किसानों के जो ट्रैक्टर दिल्ली के थानों में खड़े हैं उनकी वापसी, बिजली के कानून में संशोधन, पराली का जो सबसे बड़ा मसला है उसके ऊपर अभी बातचीत नहीं हुई है, MSP की गारंटी का कानून, और उसके साथ साथ आंदोलन के चलते हुए जो हमारे 800 से ज़्यादा शहीद हुए हैं उन किसानों के बलिदान का, जब तक ये सरकार मूल्य नहीं देती, जब तक उनके सरकार का बलिदान की मुआवजा और सब कुछ नहीं देती, तब तक ये हमारी जो है ये संघर्ष जारी रहेगा।